हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल मनीफेस्ट ट्रेडिंग। दोस्तों, मार्केट काफी दिनों से करेक्शन फेज में चल रहा है, एक लंबा एक्सटेंडेड करेक्शन फेज चल रहा है और इसके चलते काफी अनसर्टेनिटी और काफी पैनिक मचा हुआ है रिटेल इन्वेस्टर्स में। ऐसे में दोस्तों, आपको स्मार्ट रहना है, आपको समझना है चीजों को कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है मार्केट में। एक बात तो तय है, मार्केट को पॉजिटिव रहने के लिए या मार्केट को ऊपर जाने के लिए कोई पॉजिटिव रीजंस फिलहाल नहीं दिखाई दे रहे। इनफैक्ट चार इंपॉर्टेंट नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं फिलहाल वो आपको कंसीडर करना चाहिए और इन चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहला पॉइंट है ओमिक्रॉन का जो बढ़ता हुआ केयर दिखाई दे रहा है, बहुत सारे कंट्रीज में फैल चुका है, ऑलमोस्ट 90 से ज्यादा कंट्रीज में फैल चुका है। इंडिया में भी 100 से ज्यादा केसेस देखने मिल चुके हैं, कई जगह मरने की खबरें आ रही है और WHO ने भी कंफर्म किया है कि बहुत तेजी से फैल रहा है। कितना डेंजरस है ये हमें नहीं पता है, लेकिन बहुत तेजी से फैल रहा है ये कंफर्म है। इसके अलावा पूरी दुनिया इन्फ्लेशन से जूझ रही है और इन्फ्लेशन को कम करने के लिए अब पूरी दुनिया की गवर्नमेंट धीरे धीरे करके अपने सेंट्रल बैंक्स के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना शुरू कर देगी, जो कि ऑलरेडी लास्ट वीक में आपको देखने मिल चुका है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट्स को हाइक किया है। इसके अलावा टर्की में भी आपको देखने मिला है कि बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट्स को हाइक किया है। और जब ये होता है तो दोस्तों इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती तो मार्केट में जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी थी उसे स्क्वीज आउट किया जाता है, तो उसके चलते भी मार्केट प्रेशर में रहता है। इसके अलावा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, FII लगातार प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, लगातार हैवी सेलिंग्स हो रही है दोस्तों। अब दोस्तों इसका दो मेन इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है, क्योंकि मार्केट में एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है, आपके पास कोई क्लियर रोड मैप नहीं है कि आगे मार्केट में क्या होने वाला है। अब आगे मार्केट में वही होगा जो जनवरी के महीने में Q3 के रिजल्ट आना शुरू होंगे। प्योरली मार्केट का जो डायरेक्शन है वो उन लिस्टेड कंपनीज के रिजल्ट और उनके परफॉर्मेंस बेस पे डिसाइड होगा। तो आप भी उनके रिजल्ट्स देखने चाहेंगे, उनके परफॉर्मेंस देखना चाहेंगे कि सेक्टर में और किस इंडस्ट्री में क्या ग्रोथ हो रही है, किस तरीके की ग्रोथ हो रही है, और उसके बेसिस पे आप उसमें पैसा लगाना चाहेंगे। और वही चीज FII कर रहा है, FII भी सिर्फ सेलिंग कर रहा है और वेट एंड वॉच कर रहा है। तो जैन के महीने में जैसे जैसे इंडस्ट्री के रिजल्ट आना शुरू होंगे, अलग अलग सेक्टर के, अलग अलग स्टॉक्स के रिजल्ट को देखने के बाद, रिजल्ट को एनालाइज करने के बाद, जिन सेक्टर में उन्हें ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा होगा उसी सेक्टर में वो पैसा दोबारा लगाएंगे दोस्तों। और इसका मतलब ये नहीं कि रिजल्ट आने के बाद ही मार्केट ऊपर जाना चालू करेगा। रिजल्ट आने के कुछ दिन पहले से बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हो अंदाजा लग जाता है कि इस इंडस्ट्री के किस तरह के रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि मार्केट के जो एनालिस्ट होते हैं वो एस्टिमेट्स बताना शुरू कर देते हैं। तो उसके चलते जो भी पॉजिटिव न्यूज फ्लो आएंगी जिस सेक्टर को लेकर या जिस इंडस्ट्री को लेकर, उसमें पैसा लगाना चालू कर देगा FII। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट इवेंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, जो कि है बजट का। और बजट के दौरान गवर्नमेंट या फिर फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया के अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग इंडस्ट्रीज, अलग अलग कॉर्पोरेट हाउस से लगातार डिस्कशन करते रहेंगे कि किस तरीके से कौन से पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उसके बेसिस पे भी दोस्तों बहुत सारे आगे की मार्केट की डायरेक्शन का फैसला होगा। तो ये चार इवेंट्स है दोस्तों, ये इन चारों चीजों पे आपको नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा भी कुछ चीजें हो सकती है, बट फिलहाल ये चार मेन रीजंस है जिसकी वजह से मार्केट फिलहाल प्रेशर में है। तो अब सवाल आता है कि अब हमें एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए। करंटली मार्केट जो है दोस्तों बिल्कुल भी ट्रेडिंग के लिए सुटेबल नहीं है, चाहे वो इंट्राडे हो, FNO हो या फिर स्विंग ट्रेड हो। पोजिशनल कॉल्स या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हो, ये सही समय है, क्योंकि कई स्टॉक्स आपको बॉटम आउट हो चुके, कई अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स आपको वैल्यू बाय प्राइस पे मिल रहे, तो उन स्टॉक्स को आपको एक्यूमुलेट करने के लिए कंसिडर करना चाहिए लॉन्ग टर्म में। ऑफकोर्स आफ्टर डिटेल्ड एनालिसिस, अगर आपको लगता है उन स्टॉक्स में पोटेंशियल है आगे ग्रोथ की, तो डेफिनेटली आपको उसमें कंसिडर करना चाहिए। ऐसा कौन सा वो सेक्टर या कौन सा वो स्टॉक हो सकता है जिसमें हम बेट कर सकते हैं दोस्तों? ऐसे में जनरली मार्केट जब प्रेशर में होता है तो जनरली FMCG और डिफेंसिव स्टॉक्स यानी कि IT स्टॉक्स पे हम बेट कर सकते हैं। फिलहाल जो जिस तरीके का माहौल चल रहा है, डॉलर रेट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और जब डॉलर रेट्स बढ़ते जाते हैं तो एक सेक्टर है जिसको सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है, वो है IT सेक्टर, क्योंकि IT सेक्टर की जो डीलिंग्स होती है या जो उनकी इनकम होती है वो बेसिकली डॉलर में होती है, क्योंकि आउटसोर्सिंग का काम ज्यादा होता है, इंडिया के बाहर का काम ज्यादा होता है, तो पेमेंट जो होती है डॉलर्स में होती है। जैसे जैसे डॉलर के प्राइस बढ़ेंगे तो उनको ज्यादा बेनिफिट होता है दोस्तों। तो ऐसे में IT सेक्टर और IT सेक्टर के स्टॉक्स को हम बेट कर सकते हैं। तो अब कौन सा वो स्टॉक है IT सेक्टर का जिसपे हमें बेट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा स्टॉक के बारे में आज बताने वाला हूँ जो कि सबसे फास्ट ग्रोइंग IT स्टॉक्स है इन द लास्ट 5 ईयर्स, और ये ऐसा कंपनी है जो फोर्ब्स वर्ल्ड के टॉप 100 बेस्ट एम्प्लॉयर में गिना जाता है, और उसमें इंडिया के 4 ही कंपनी है जिसमें से ये कंपनी भी शामिल है। तो कौन सा ये स्टॉक है इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा दोस्तों, लास्ट तक देखिएगा, स्किप कर करके ना देखें, वरना आप कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मिस कर जाएंगे।
क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ स्टॉक के बारे में और स्टॉक के एनालिसिस के बारे में नहीं बात करेंगे, बल्कि ये स्टॉक बाकी आईटी स्टॉक से करंट सिचुएशन में क्यों वैल्यू बाय है वो भी मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में, और वो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसके बारे में आपको जरूर देखना चाहिए। इससे पहले आगे बढ़े वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वरना ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगे। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, स्टॉक मार्केट में किसी भी बिगनर की जर्नी काफी डिफिकल्ट रहती है, और डिफिकल्ट इसलिए रहती है क्योंकि उसके पास सही नॉलेज, कॉन्फिडेंस, स्किल्स या पेशेंस नहीं होता। उसके अलावा उसे कोई प्रॉपर हैंड होल्डिंग या सपोर्ट नहीं मिलता, या उसे वर्केबल स्ट्रेटजीज की जानकारी नहीं होती, और सबसे इम्पोर्टेंट मेंटल टफनेस की कमी होती है दोस्तों। और हम भी आपकी तरह इस जर्नी से गुजर चुके हैं, इसीलिए हम आपकी इस डिफिकल्ट जर्नी में आपकी मदद करना चाहते हैं और आपकी इस जर्नी को एंजॉयबल बनाना चाहते हैं विद प्रॉपर गाइडेंस एंड हैंड होल्डिंग, जो कि हम एब्सोल्युटली फ्री करेंगे, आपसे कोई चार्ज नहीं लेना चाहते दोस्तों। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव और एफर्ट अच्छा लगता है तो आप भी हमें सपोर्ट कर सकते हो हमारे लिंक के थ्रू, डीमेट अकाउंट ओपन करके अपस्टॉक्स में। अपस्टॉक्स का डीमेट अकाउंट लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। अब आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो दोस्तों, सारे आईटी कंपनीज लिस्टेड हैं। यहाँ पे 12 आईटी कंपनीज दिख रहे हैं जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सॉर्टेड है। अब इनमें से कौन सा वो कंपनी है जो पिछले 5 साल में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी रहा है, इनफैक्ट के रेवेन्यू और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी 5 साल में बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो हुई है, इसको समझने की कोशिश करते हैं एक एक पैरामीटर्स को देख के। मार्केट कैप के हिसाब से TCS नंबर 1 है, इन्फोसिस नंबर 2 है, विप्रो नंबर 3, HCL नंबर 4, और HCL के बाद आप देख सकते हो टेक महिंद्रा नंबर 5 पे है, लेकिन टेक महिंद्रा की मार्केट कैप ऑलमोस्ट हाफ है HCL की मार्केट कैप से, और उसके बाद के जो भी स्टॉक्स हैं वो सारे की मार्केट कैपिटलाइजेशन उससे भी कम है दोस्तों। तो डेफिनेटली हम टॉप 5 या टॉप 6 में ही इंटरेस्टेड रहेंगे। तो अगर टॉप 5 या टॉप 6 की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे अच्छा डेप्ट टू इक्विटी की अगर हम बात करें तो TCS तो डेफिनेटली दिग्गज है, ये रनर अप है, और विप्रो थर्ड है। फोर्थ नंबर पे आपको यहाँ पे विप्रो दिख रहा है, और फिफ्थ टेक महिंद्रा, दोनों का ही डेप्ट टू इक्विटी ऑलमोस्ट सेम है दोस्तों, 0.10 और यहाँ पे भी 0.10। अब इंडस्ट्री की पीई से कंपेयर करते हैं दोस्तों, अगर आप इंडस्ट्री की पीई देखो 39.24 है, यहाँ TCS है 36.25, जो कि दिखा रहा है कि इंडस्ट्री की पीई से कम वैल्यूएशन पे आपको मिल रहा है। सिमिलरली इन्फोसिस में भी आपको 39 की पीई के सामने 36 की पीई मिल रही है, विप्रो में 39 की पीई के सामने 30, और HCL में आप देख रहे हो 27 की पीई मिल रही है, टेक महिंद्रा की 31। तो यानी कि अगर टॉप 5 की बात करें तो टॉप 5 में सबसे कम पीई जो है वो है HCL की, यानी कि टॉप 5 में सबसे लोवेस्ट वैल्यूएशन पे आपको ये आईटी स्टॉक मिल रहा है HCL। इसके अलावा डिविडेंड यील्ड की भी अगर हम बात करें तो टॉप 5 में अगर हम देखें डिविडेंड यील्ड भी सबसे ज्यादा अच्छी HCL की है 1.88%। अब ये स्टॉक हम क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आप देख सकते हो ROE और उसकी ROCE 5 ईयर्स की एवरेज अगर हम देखें 23.89% एवरेज ROE की है और 29% ROCE की है, जो कि शानदार है दोस्तों, सारे क्राइटेरिया में फिट बैठता है। इसके अलावा किसी भी स्टॉक की अर्निंग पर शेयर काफी इंपॉर्टेंट होती है, तो लास्ट 12 मंथ्स की अर्निंग पर शेयर अगर हम देखें तो ये विप्रो से डेफिनेटली बेटर है दोस्तों, एक शेड बेटर है। भले विप्रो से मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी कम है, लेकिन जितने भी पैरामीटर अभी तक हमने देखे सारे पैरामीटर्स में ये विप्रो से ज्यादा बेटर है। अब पीए उसकी बेटर है, डेब्ट टू इक्विटी उसकी बेटर है, डिविडेंड यील्ड बेटर है, आरओई आरओसी बेटर है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करें वो भी दोस्तों विप्रो से बेटर है। अगर हम टॉप 5 की बात करें, ये नंबर 4 कंपनी है और विप्रो नंबर 3 कंपनी है, और आप देख सकते हो कितने सारे पैरामीटर्स में विप्रो से ये बेटर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों जिसकी मैं कह रहा हूँ कि लास्ट 5 ईयर से ये ग्रोइंग कंपनी है, सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है इस कंपनी में। कैसे पता चलता है, हम कंपनी की रेवेन्यूज देखते हैं, कंपनी की सेल्स देखते हैं। जनरली किसी भी साइट पे हम देखते हैं तो रेवेन्यू, सेल्स या फिर इनकम, इस तरीके के टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इस साइट पे आपको ये सेल्स के हिसाब से दिखाया जा रहा है। आप देखो सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 ईयर्स की 19.34% है दोस्तों, जो कि शानदार है। आप देख सकते हो टॉप 5 में, इनफैक्ट पूरी लिस्ट में आप देख सकते हो 12 के 12 स्टॉक्स के बीच में सबसे ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है लास्ट 5 ईयर्स में 19.33% का, जो कि दिखा रहा है कितना शानदार ग्रोथ है, शानदार रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है लास्ट 5 ईयर्स में। इसके अलावा प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें लास्ट 5 ईयर्स में, वो भी आप देख सकते हो 14% की है, जो कि शानदार है। टॉप 5 में इससे ज्यादा बेहतर प्रॉफिट ग्रोथ किसी भी कंपनी ने नहीं दिया है। ये सारे पैरामीटर्स देखते हुए आप देख सकते हो कि विप्रो थर्ड नंबर स्टॉक है और HCL फोर्थ नंबर स्टॉक है, लेकिन कितने सारे पैरामीटर्स में दोस्तों HCL ने विप्रो को बीट किया है। तो डेफिनेटली ये स्टॉक दस्तक दे रहा है, नंबर 3 की तरफ बढ़ रहा है और बहुत तेजी से
बढ़ रहा है दोस्तों, क्योंकि लास्ट 5 ईयर्स में बहुत तेजी से और बहुत ही अग्रेसिवली ये कंपनी ग्रो हुई है। इसके होल्डिंग्स की अगर बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग आप देख सकते हो बहुत ही स्ट्रांग है, 60%, FII की होल्डिंग है 22% और DII की होल्डिंग है 12.4%, जो कि दिखाता है अच्छी खासी स्ट्रांग होल्डिंग्स है दोस्तों इंस्टीट्यूशनल की और प्रमोटर्स की, जो दिखाता है स्टॉक में उनके भरोसे को। तो बेसिकली इतने सारे पैरामीटर्स को जानने के बाद अभी इतना तो आपको यकीन हो गया, भले ही मार्केट कैप के हिसाब से HCL नंबर 4 पे है लेकिन इतने सारे पैरामीटर में उसने नंबर 3 स्टॉक विप्रो को बीट कर दिया है। तो बहुत जल्द आप देख सकते हो HCL विप्रो को बीट कर देगा इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप भी, जो कि आपको देखने मिल सकता है आने वाले कुछ सालों में। तो ऐसे ही फास्ट ग्रोइंग कंपनी में दोस्तों हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। डेफिनेटली आप TCS में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, इन्फोसिस में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ये सारी दिग्गज कंपनी है दोस्तों, लेकिन ये कंपनी HCL ऐसी है जो पिछले 5 साल में बहुत ही एग्रेसिवली ग्रो हो रही है इन 3 दिग्गज स्टॉक के मुकाबले, जो कि हमने यहाँ पे क्लियरली हमें विजिबल है और हमने ये चीज समझने की कोशिश की। अब ये तो सारी अच्छी अच्छी बातें हुई, क्या HCL में कुछ नेगेटिव भी है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप प्रोस एंड कॉन्स की बात करें तो आप देख सकते हो कंपनी की कोई कॉन्स नहीं है दोस्तों, सिर्फ प्रोस है। प्रोस में रिड्यूस डेप्ट, कंपनी की डेप्ट रिड्यूस होती जा रही है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है और एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट दे रही है, जो हमने ऑलरेडी देख लिया सबसे ज्यादा डिविडेंड यील्ड इसका है IT स्टॉक्स में। इसके अलावा कंपनी पिछले 10 साल से सेल्स ग्रोथ जो है इनकी 10 साल की एवरेज है 19.49%, जो कि शानदार है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते जा रहे हैं। अब अगर हम स्टॉक के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक करंटली ट्रेड कर रहा है 1171.40 पे और स्टॉक अपने डेफिनेटली इंटेंसिव वैल्यू से हायर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि ये एक ब्लूचिप ब्लूचिप स्टॉक है, प्रीमियम स्टॉक है, FD से डेफिनेटली बेटर रिटर्न दे रहा है। इसके अलावा स्टॉक अच्छे डिविडेंड भी देता है, 1.88% की डिविडेंड यील्ड है इसकी। इसके अलावा ये स्टॉक किसी भी रेड फ्लैग में नहीं है, कोई ASM GSM लिस्ट में नहीं है, ना ही कोई प्रमोटर होल्डिंग इसकी प्लेस्ड है और ये स्टॉक में एंट्री करने का ये बिल्कुल भी सही समय है, क्योंकि किसी भी तरीके से ओवरबॉट जोन में नहीं है और बहुत ही सही वैल्यूएशन पे है, इसको हम आगे चार्ट पे भी समझेंगे। इसके अलावा ये स्टॉक लार्ज कैप कंपनी का स्टॉक, लार्ज कैप सेक्टर में नंबर 13 रैंक स्टॉक है, तो डेफिनेटली ये बहुत ही जबरदस्त ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप स्टॉक है। चलो लास्ट एक मंथ के अगर हम रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते हो कोई खास रनअप नहीं हुआ है स्टॉक में, कंसोलिडेट कर रहा है, बेसिकली सिर्फ 2% के आसपास के रिटर्न दिए। अगर यही हम लास्ट एक साल के परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट एक साल में स्टॉक ने मैसिव 31% आपको रिटर्न दिए और वही अगर हम लंबे समय के लिए बात करें लास्ट 5 ईयर्स में, तो लास्ट 5 ईयर्स में आप देख सकते हो यहाँ पे लास्ट एक साल में दोस्तों स्टॉक ने मैसिव 184% के रिटर्न दिए। इसका मतलब अगर 5 साल पहले आपने स्टॉक में 1 लाख रुपए लगाए होते तो आपके 1 लाख को इसने 2,84,000 बना दिया दोस्तों, जो कि एक शानदार रिटर्न दिखा रहा है दोस्तों इस स्टॉक में, दिखा रहा है लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक किस तरीके से आपकी वेल्थ क्रिएट कर सकता है आपके लिए। चलो भाई स्टॉक के अगर हम रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हो लगातार रेवेन्यूज जंप होते जा रहे हैं साल दर साल और प्रॉफिटेबिलिटी भी लगातार इंक्रीज होती जा रही है दोस्तों, प्रॉफिटेबिलिटी भी इंटैक्ट है, तो ये स्टॉक डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए एक सही कैंडिडेट है दोस्तों। आईटी स्टॉक्स में हमने चूज कर लिया कौन सा सही स्टॉक है जो इस वक्त सही वैल्यूएशन पे है और सबसे वेल पॉइज्ड है आगे फ्यूचर ग्रोथ के लिए और उसके सारे पोटेंशियल हमने देख लिए, कितना फास्ट ग्रोथ हो रहा है इस स्टॉक का। अब सवाल आता है कि किस लेवल पे इस स्टॉक को खरीदना है, आइए उसको समझते हैं टेक्निकल चार्ट्स पे। दोस्तों YouTube के अलावा आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जहां हमारी एक छोटी सी फैमिली है 1500 लोगों की। जो लोग हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हैं वो लोग जानते हैं हम आपको रेगुलरली फ्री स्विंग ट्रेड कॉल्स देते हैं, जहां आप 7, 10 या 15 दिनों में मिनिमम 5-10-15% तक आप गारंटेड कमा सकते हो दोस्तों। अगर आप पेशेंस रखो तो आप उससे ज्यादा भी कमा सकते हो दोस्तों, और हम ये नहीं चाहते कि आप सिर्फ कॉल्स पे डिपेंड रहे, इसलिए हम आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चार्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं विद परफेक्ट एंट्री स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स, इसकी मदद से आपको समझ में आए कि जो भी हमने कॉल्स दिए हैं उसके पीछे के लॉजिक्स क्या है, और अगर कोई डाउट या क्वेरी रह जाती है तो आप हमारे साथ इंडिविजुअली हमसे इंटरेक्ट कर सकते हो, जहां हम आपके सारे डाउट्स और क्वेरीज को पर्सनल अटेंशन देके आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये ग्रुप प्राइवेट है इसलिए आपको नीचे दिए गए लिंक के थ्रू ही ज्वाइन होना होगा दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके अलावा अगर आप हमारे स्विंग ट्रेड कॉल्स की क्वालिटी को समझना चाहते हैं तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, आप देख सकते हो ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है जहां हम रेगुलरली हमारे मेंबर्स के लव अप्रिसिएशन रिएक्शन बेस्ट विशेस और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे मेंबर्स के कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट्स भी रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करते हैं दोस्तों। अगर ये देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आता है तो आप हमें दोनों इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हो दोस्तों, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे HCL टेक्नोलॉजीज का डेली चार्ट लगा हुआ और स्टॉक ने रिसेंटली सितंबर के मंथ में 1377 के हाइस लगाए थे और वहां से स्टॉक में एक अच्छा खासा करेक्शन आया दोस्तों। अब अभी फिलहाल करंटली ऑलमोस्ट 15% के करेक्शन पे मिल रहा है स्टॉक आपको 1171 के प्राइस पे। चलो अगर हम मूविंग एवरेज लगा के देखें तो ये आपका 50 डेज का मूविंग एवरेज है और ये जो है ये आपका 200 डे का मूविंग एवरेज है, तो आप क्लियरली देख सकते हो 50 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, उसके ऊपर जाने की
कोशिश कर रहा है, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं टूट पा रहा है। अगर इनके यहाँ से कोई वीकनेस आती है आगे चल के तो डेफिनेटली आपको 200 डेज के मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे ये स्टॉक मिल सकता है विच इज अराउंड 1080 लेवल्स। ये चीज आपको डेफिनेटली कंसिडर करनी चाहिए। अगर इनकेस आगे आने वाले कुछ दिनों में अगर गिरावट होती है तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हो 1080 के लेवल्स पे, वरना अगर यहीं से अपसाइड दिखाना शुरू करता है जो कि पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि ये जो लेवल है इसका ये 1200 का लेवल इसका ब्रेकआउट लेवल है, इसका 1200 का एक ब्रेकआउट लेवल है। ये ब्रेकआउट लेवल जिस दिन ये लेवल तोड़ेगा और बहुत जल्द तोड़ सकता है, पॉसिबिलिटी है, अगर ये तोड़ता है तो डेफिनेटली आपको इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम 1300 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं दोस्तों। तो ये 50 डेज का मूविंग एवरेज कोइंसाइड कर रहा है उसके 1200 के लेवल्स के साथ, तो वही उसका एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। इसके अलावा भी अगर आप फोकस करें रिसेंट प्राइस एक्शन पे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये जो एक 1200 का एक रेजिस्टेंस लेवल तो डेफिनेटली दिख रहा है। इसके अलावा मुझे यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न दिख रहा है, क्या आपको भी ये पैटर्न दिख रहा है? ये ब्रेकआउट डेफिनेटली पॉसिबल है, तो यहाँ से ये आपको उसकी वजह से भी ये 1300 के लेवल्स डेफिनेटली देखने मिल सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो ये आपके लिए वैल्यू बाय के लिए बहुत ही सही समय है इस लेवल पे खरीदने का ब्रेकआउट लेवल्स को। अगर इनके नेगेटिव होता है मार्केट स्टॉक में अगर और गिरावट आती है तो 200 डेज के सपोर्ट पे आप इसको खरीद सकते हो, क्योंकि 1080 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, वरना आप करंट मार्केट प्राइस पे इसको एक्युमुलेट कर सकते हो, ये बहुत ही सही प्राइसिंग है। इसके अलावा वॉल्यूम्स की बात करें, वॉल्यूम्स तो डिसेंट है, कुछ खास है नहीं क्योंकि कंसोलिडेट कर रहा है फिलहाल, काफी डेढ़ महीने से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है अक्टूबर एंड से अभी तक। इसके अलावा आरएसआई की अगर हम बात करें, आरएसआई 53 अप्रोचिंग टुवर्ड 60 जो कि एक पॉजिटिव साइन है, तो डेफिनेटली स्टॉक में हमें कंसिडर करना चाहिए। टेक्निकली चार्ट्स पे जो लेवल्स पे हम एंटर कर सकते हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप करंट लेवल्स पे एंटर कर सकते हो और अगर गिरावट आती है तो 1080 लेवल्स पे आपको पोजीशन लेने का मौका मिल सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत ही सही वैल्यूएशन होगा इस स्टॉक में एंटर करने का, क्योंकि अच्छे स्टॉक्स को चूज करना और अच्छे प्राइस पे खरीदना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर इस स्टॉक में डिलीवरी परफॉर्मेंस की बात करें तो आप देख सकते हो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 62% की डिलीवरी हुई है और लगातार आप अगर वो चेक करें लगातार 40% से ज्यादा की डिलीवरी हो रही है इसमें कंसिस्टेंटली, तो आप देख सकते हो ये एक अच्छी और हेल्दी डिलीवरी हो रही है। स्टॉक में अच्छा खासा बाइंग इंटरेस्ट एमर्ज हो रहा है और धीरे धीरे एक अच्छी हेल्दी डिलीवरी ली जा रही है इसकी, तो आपको भी ये चीज कंसिडर करना चाहिए और डेफिनेटली इस स्टॉक को एड करने के लिए अपने पोर्टफोलियो में कंसिडर करना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा म्यूचुअल फंड और एफआईआई की होल्डिंग्स की बात करें तो आप देख सकते हो एफआईआई इसमें थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग चालू है इस स्टॉक में, लेकिन म्यूचुअल फंड में आप देख सकते हो लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है, म्यूचुअल फंड लगातार इसमें अपना एडिशन करते जा रहा है और म्यूचुअल फंड जिस तरीके से इंडिया में बढ़ रहा है तो ये एक पॉजिटिव साइन है इस स्टॉक के लिए। इसके अलावा अगर हम किसी रिसर्च रिपोर्ट की बात करें इस स्टॉक के बारे में तो लास्ट रिसर्च रिपोर्ट इस स्टॉक के बारे में आई थी 17 नवंबर को जो कि था मोतीलाल ओसवाल के द्वारा और उन्होंने इसमें 1430 का टारगेट दिया दोस्तों। स्टॉक करंटली ट्रेड कर रहा है 1171 जो कि ऑलमोस्ट यहां से 22% का अपसाइड आपको देखने मिल सकता है, 22% का आप यहाँ पे देख रहे हो। तो डेफिनेटली इस स्टॉक के बारे में रिसर्च रिपोर्ट या एनालिस्ट का भी पॉजिटिव सेंटीमेंट है इस स्टॉक को लेकर, तो डेफिनेटली ये सारी चीजें हैं फैक्टर्स आपको कंसिडर करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको इस स्टॉक में पोजिशन लेना है तो आप अपनी खुद की भी डिटेल्ड एनालिसिस कीजिए, अगर आप कन्विंस हो, अगर आपको लगता है ये स्टॉक आपके क्राइटेरिया में फिट बैठता है तो डेफिनेटली इसको एड करने के लिए कंसिडर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करेगा उससे पहले। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो जरूर लाइक करें दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, कोई भी सजेशन या फीडबैक है तो जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। आपके लाइक और कमेंट की वजह से यूट्यूब ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा दोस्तों। इसके अलावा अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और हमें सपोर्ट कर सकते हो, और आप चाहे तो हमें हमारा टेलीग्राम ग्रुप या फिर मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो दोस्तों, जहां पे हम रेगुलरली आपके साथ कॉल शेयर करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वरना आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली नहीं मिलेंगे। बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको एक शॉर्ट्स की प्लेलिस्ट दिखेगी। स्टॉक मार्केट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने एक मिनट में समझाने की कोशिश की, आपको उन्हें जरूर देखना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप इसे शेयर करिए